सहराए चोलिस्तान के किनारे आबाद एक ऐसा ज़िला जिसे सतलुज की रवानी का बरसों से है साथ मिला, जो पाकिस्तान के पंजाब की है तारीखी तस्वीर भी, वो कदीमी यादों से लिखी गई एक तहरीर भी, जिस रियासत का दिल गया पाकिस्तान की जानेब मोड़ आज कहलाता है सूबा पंजाब का एक ज़िला बहावलपुर। ये सरजमीन है तपते हुए रेगिस्तानों की और जन्नत है सरसब्ज निखलिस्तानों की। नवाब बहावल खान अब्बासी ने 1748 में बहावलपुर की बुनियाद रखी। कुदरत ने इब्तदाही से ये रियासत आज़ाद रखी। कैद आज़म से नवाब सादिक खान की अकीदत ऐसी रंग लाई कि 7 अक्टूबर 1947 को ये आज़ाद रियासत पाकिस्तान का हिस्सा कहलाई। पुराने बहावलपुर के गिर्द कभी हुआ करती थी एक मजबूत दीवार, जिसके 7 दरवाज़ों से कभी दाखिल होते थे राहदार। इन 7 दरवाज़ों ने आज भी रखा इन माजी की यादों को समेट, आज भी उसी शान से खड़े यहाँ शिकारपुरी, दरावड़ी, अहमदपुरी, मोरी, बोहड़, मुल्तानी और फरीद गेट। 2 सदियों तक इस सरजमीन पर नवाबों का राज रहा, इसीलिए ये शहर आज भी नवाबों का शहर है कहलाता है। यहाँ आज भी है अजीम शान माजी के गुजरा हुआ पहर, इसीलिए इसको कहते हैं महल्लात का शहर। वो महल्लात के जहाँ आज भी रहता है बादशाह का गुजरा हुआ कल, इनमें नूर महल, दरबार महल और गुलजार महल। यहाँ मौजूद है एक महल ऐसा भी जिसे ना देखने पर सयाहों का नहीं चलता कोई बस, वो है नवाबों का बना सादिक पैलेस। आज ये ज़िला 5 तहसीलों का है मान, जिनमें बहावलपुर, अहमदपुर शर्किया, हासिलपुर, खैरपुर टामे वाली और 5वीं है मंडी यजमान। पंजाब के इस कदीमी शहर की अपनी ही है अलग अहमियत, सतलुज के किनारे दिखाई देती है कला द्रावड़ की अजब शान शौकत। इसके कले के नज़ारे हर आँख को हैं भाते, ऐसे शानदार जलवे किसी और कले में नज़र नहीं आते। इसी कले के करीब तारीख के लाजवाब सबूत हैं मिलते, दिखाई देते हैं जब आँखों को यहाँ अब्बासी मस्जिद के जलवे। बहावलपुर से तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर वाके एक ऐसी जगह जिसका नहीं कोई हरीफ, वो है बरे सगीर का वाहिद नूरानी मकाम उच शरीफ। यहाँ सूफिया की रौनक से सजते हैं दिन और रात, एक रिवायत के मुताबिक यहाँ हैं 1.5 लाख औलिया के मज़ारात। दरियाए सतलुज पर 1878 में रेल का एक पुल तामीर हुआ, 150 साल बाद भी ये पुल एम्प्रेस ब्रिज के नाम से है जाना जाता। बहावलपुर से 40 किलोमीटर दूर वाक़े है जंगली हयात के मस्कन का एक कुदरती आसरा, सहरा, जंगल और पानी इकट्ठे हैं जहाँ, वो है यहाँ का पार्क लाल सुहारा। सैकड़ों साल पहले के हुक्मरानों ने तालीम से मोहब्बत का सबूत कुछ यूं दिया,
के रकबे के लिहाज से यहाँ एशिया का सबसे बड़ा सादिक पब्लिक स्कूल बनवाया। तालीम की लहर यूं ही बढ़ती गई और 1925 में यहाँ इस्लामिया यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई। 1906 था बहावलपुर की तारीख का कीमती साल, जिसमें कैम हुआ इस खिते का सबसे बड़ा और पहला विक्टोरिया अस्पताल। तारीख को आज भी कायम रखे हुए है यहाँ का अजैब घर। यहाँ लाहौर के बाद पाकिस्तान का दूसरा बड़ा है चिड़ियाघर। जिंदगी की गाड़ी में बैठकर बस चलते ही ना जाइए, सफ़र की खूबसूरती बढ़ाने के लिए ज़रा बहावलपुर तो तशरीफ़ लाइए।